राजस्थान में तीसरे मोर्चे का सपना संजोए बैठे विधायक हनुमान बेनीवाल अब बीकानेर में तीसरे मोर्चे के लिए जमीन तलाशने की कोशिश में जुट गए हैं। जी हां, आज बीकानेर पहुंचे हनुमान बेनीवाल का सर्किट हाउस में शानदार स्वागत हुआ। यहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि 4 फरवरी को बीकानेर में किसान हुंकार रैली रखी जाएगी, जिसमें किसानों के कर्ज माफी के साथ साथ विभिन्न स्थानीय मुद्दों को भी शामिल किया जाएगा। बेनीवाल ने प्रधानमंत्री दौरे को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री राम राम भूल गए और लिखा हुआ भाषण ही पढ़ा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीकानेर में हनुमान बेनीवाल कोशिश करेंगे कि बड़ी संख्या में लोग जुटे। वे लाखों की भीड़ जुटने का दावा कर रहे हैं। सीधे तौर पर न केवल भाजपा बल्कि कांग्रेस के लिए भी हनुमान बेनीवाल की बीकानेर में सक्रियता एक चुनौती होगी, खासतौर पर प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर डूडी के लिए, क्योंकि वे संभाग के जाट नेता माने जाते हैं।